वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम टू माय चैनल मेड बाय मी। आज मैं आपको टेंट फ्रॉक या ओरेबिक फ्रॉक कह लें वो बनाना सिखा रही हूँ। कुर्ती टाइप का जीन्स की पैंट पे पहन सकते हैं आराम से लड़कियाँ, और वैसे भी वो यूज़ अच्छा इजीली होता है घर पे बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपना कपड़ा चार तह में इस त्रिकोण तरीके से मैंने बिछाया हुआ है। मैंने पहले से बिछा लिया है ताकि मुझे अंदाज़ा हो। ये देखें, ये दो पीस ये हैं और दो पीस ये डबल है। ये मैंने जो है इस तरीके से पूरा अपना त्रिकोण पीस बिछा के इसको रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारा ये कोना है, ये हमारा ये इस तरह से बना हुआ है कोन की शक्ल का। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह इसकी मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले हम जो है शोल्डर का नाप लेंगे। ये देखें, ये हमारा 7.5 इंच रखूंगी मैं शोल्डर, क्योंकि मुझे 7 इंच चाहिए। ये देखें, सबसे पहले ये हम शोल्डर नापेंगे अपना। ये मैंने 7.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, देखें ये हमारा 7.5 इंच का निशान लग गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ से 15 इंच का जो है अपना कमर का नाप लेते हैं, वो मैंने लगा लिया यहाँ पे निशान, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से हमें 8 इंच जो है हमें आर्म होल चाहिए। यहाँ 8 इंच ही हमारा आर्म होल लग गया। ये हमने जो है तकरीबन 7 इंच अपना ये शोल्डर लिया है हमने, यहाँ पर 7.5 इंच, 1/2 इंच जो है मैंने स्विंग लिया है सिलाई का हक, और ये तकरीबन मेरा 15 इंच जो है ये मैंने कमर का नाप रखा है अपना। ये देखें, उसके बाद जो है यहाँ से मैं नापूंगी तकरीबन 8 इंच जो है मेरा शोल्डर चाहिए मुझे। ये देखें, मैं शोल्डर का निशान लगा लिया मैंने ये पूरा, और हमारा चेस्ट जो है वो 18 इंच मतलब 9.5 इंच रखूंगी मैं। ये देखें, ये हमारा शोल्डर है ये हमारा, और कमर हमारी जो है तकरीबन 14 इंच वेस्ट है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूंगी 8 इंच, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ होगा। ये देखें, ठीक है, ये हमने लिया यहाँ से। ये हमारा ये कमर आ गई है, यहाँ से हमने शोल्डर ये मिला लिया हमने अपना, ये रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है कमर का ये आस्तीन है, ये हमारा आर्म होल है। यहाँ से मैं तकरीबन 3.5 इंच जो है अपना शोल्डर लूंगी, 1/2 इंच कम करके यहाँ से ये मिला के मैंने ये थोड़ा सा राउंड शेप मिला दिया। ये हमारा यहाँ तक आया। अब यहाँ से जो हमारा बचा है ये पूरा हम ले लेंगे, यहाँ से मिला देंगे कोने से, ठीक है। ये कोना हमारा पूरा मिल जाएगा। और अब मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ हमारी शर्ट की लेंथ जो होगी तकरीबन वो होगी 35 इंच, जो तैयार मुझे 34 इंच चाहिए। ये जो है हमने जो है यहाँ से ये देखें, ये मैंने 15 इंच लिया है लेंथ कमर तक, और ये हमारा मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, 7.5 इंच है हमारा शोल्डर है, और 8 इंच का हमने आर्म होल लिया है ये देखें। और उसके बाद जो है ये हमने इसकी कमर की लेंथ जो है वो वेस्ट जो हमने लिए 8.5 इंच, और ये हमारी टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 34 इंच मैंने रखी है, 35, और जब हम इसको रेडी करेंगे तो ये हमें 34 चाहिए। अब मैं और ये हमारा पूरा कोना जाएगा, ये जहाँ तक आपको गुलाई नज़र आ रही है, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद आपको गुलाई की बताऊँगी कि किस तरह मुझे कटिंग करनी है।
ये हो गया हमारा, ये देखें, ये मैं इसको अपने थोड़ा सा खींच के अपनी तरफ कर रही हूँ। हम इसी तरह कटिंग करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा ये कोना जो है हम इसको इसके साथ मिलाएंगे पूरा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मिलाकर, ये हमारा ये पूरा इसके साथ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से हम मिलाना शुरू करेंगे ये पूरा। ये देखिए, ये पूरा इसके साथ इस तरीके से हमारा राउंड अबाउट में ये यहाँ तक जाएगा। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये पूरा मैं इस तरह राउंड अबाउट काटूंगी इस तरीके से। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कोना हमारा मिलेगा, फिर ये यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी यहाँ तक, फिर ये हमारा ये हिस्सा जाएगा, फिर ये जाएगा। ये देखिए, मैंने ये राउंड अबाउट अपना काट लिया। अब मुझे आगे का हिस्सा काटना है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँगी ताकि मैं आराम से इसकी कटिंग कर सकूँ। ये देखें, ये हमारी शर्ट, ये है हमारा हिस्सा ये, और यहाँ से पूरा ये हम नीचे तक ले जाएंगे ये। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग हो गई है, देखें, ये हमारी शर्ट कट गई है। अब इसकी ये मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैं अपना निशान लगा देती हूँ ताकि मुझे सीने में परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया है क्योंकि ये हम थोड़ा सा बड़ा लगते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से भी अपना निशान लगाना शुरू करेंगे। दोनों साइडों पे हमारा निशान होना चाहिए ये, और उसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ, पहले मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी इसकी, उसके बाद मैं बताऊँगी, पहले मैं इसका गला बनाऊँगी। ठीक है, इसका गला बिल्कुल सिंपल फ्रॉक बनानी है मुझे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। वी गला बनाऊँगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है आस्तीन का शेप भी उरे भी ही दूँगी। ये हमारा कपड़ा है बाकी बचा हुआ, हम इसमें से ही आस्तीन निकालेंगे। ये देखें, ये हमने लिया यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ पे भी ये कोना हमारा खुद ब खुद बनकर आ गया। ये देखें पूरा, यहाँ से मैं मिलाऊंगी इसको। ये मेरा ये हमारे साइड से शर्ट में से बचा हुआ ये टुकड़ा था, ये देखें ये पूरा। अब मैं इसकी आस्तीनें बनाऊंगी, आस्तीन भी मैं उरे भी बनाऊंगी, इसलिए मैं गला बिल्कुल सिंपल रखना है मुझे। ये देखें, ये मैंने इसको कोना मिला लिया यहाँ से, जो फालतू कपड़ा था मैंने काट के निकाल दिया। ये देखें, ये पूरा ये हमारा कोना है ये। अब मैं यहाँ से जो है इसको रिमूव करूँगी, बराबर करूँगी अपना, और उसके बाद मैं आस्तीनें बताऊंगी कितने इंच की रखनी है। ये हमारी ये हो गई। अब हम लेंथ बता देते हैं अपनी आस्तीन का कितना रखना। ये हमारी तकरीबन हम 21 इंच की 20 इंच की रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको शोल्डर काट लेंगे। हम शोल्डर आपको पता है कि हमें तकरीबन 8 इंच चाहिए, क्योंकि हमारा आर्म होल 8 इंच का है, तो ये हम नाप कर 8 इंच का शोल्डर काट लेंगे। ये हमारी आस्तीन रेडी है।
इस टाइप की हमारी आस्तीनें होंगी। ये तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा ये दिया है, हम यहाँ से सीते हुए इस तरह हम इसको ये इस तरह कर देंगे। और ये हमारा ये हमारी शर्ट है। उसके बाद ये देखें, ये हमारी शर्ट है कटी हुई और ये आस्तीन है इसकी। इस तरीके से आएगी हमारी शर्ट और ये ऐसे लटक रहा होगा थोड़ा सा हमारा। इस तरह ये हम शर्ट अपनी तैयार करें। ये गले में मैंने बुकरम लगा लिया, ये देखें ये पूरा। अब मैं इसको इस तरीके से जो है इसको मैं पहले हमें यहाँ से मैं फोल्ड कर लूँगी इस पर मशीन चलाकर, फिर मैं अपना गला बनाऊँगी। देखिए पट्टी अपनी गले गले गला जो है गला काटा होता है। हमने रखा है ये गला को, देखिए उसके बाद यहाँ से इसको मैं यहाँ रखूँगी। दूसरी पिन मैं यहाँ लगाऊंगी ताकि ये मेरा गले का जो कॉर्नर है बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए ये लगाया, अब मैं इसको सीना शुरू कर दूंगी यहाँ से। टर्न करा मैंने इसको इस तरीके से, फिर निकाल लिया मैंने। कट लगाऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है हमारा, वरना हमें प्रॉब्लम करेगा। हल्का सा कट हमने यहाँ लगाया दोनों तरफ, ये देखें ये इधर भी कट लगाया मैंने, इधर भी लगाया। अब मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा दूँगी। अच्छा, फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे अपने गले के ऊपर, हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद मैं इसकी तुरपाई कर दूँगी ताकि मेरा गला जो है ऐठे नहीं, और उरे भी है ये, इसलिए आराम से कर। नीचे से मैं इसको इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ करूंगी, ये इस तरीके से। देखिए अब ये इस तरीके से हमारा अंदर चला जाएगा ये फोल्ड होकर, और उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। ये देखिए देखिए तुरपाई कर रही हूँ पट्टी के साथ साथ, ताकि ये बाद में हमें ये काम नहीं करना पड़े, हमारी शर्ट फौरन रेडी हो जाए। ये फटाफट मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ, देखें। और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं पीछे बैक साइड की गले की पट्टी लगाना बताऊँगी, फिर हम आस्तीन जोड़ेंगे और हमारी शर्ट बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। ये देखेंगे हमारी ये हमने गला तैयार कर लिया अपना, ये हमारा वी गला। बिल्कुल आसान, मैंने आपको बताया पहले इसमें बुकरम लगा के इसको फोल्ड कर लेना और अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, बाहर की तरफ नहीं लगानी है आपको सिलाई, वरना बाहर की तरफ सिलाई लगाने से ये ऐसी खूबसूरती नहीं आएगी। अब हम इसके अंदर इसकी गले की पट्टी लगाएंगे। ये हमारा गला है, ये
ये हमारे पास ओरेबी पट्टी है, जाहिर है हमने पूरी शर्ट ओरेबी काटी थी, सारी पट्टियाँ हमारे पास ओरेबी मौजूद है। ये हम इसको निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हम इसको ये बहुत आसान तरीके से थोड़ा सा मैं गला हल्का सा गहराई में करूँगी, बिल्कुल मामूली सा, मुझे कम लग रही है। फिर मैंने हल्का सा गहराई में करा इसको, अब मैं यहाँ से इसको जॉइंट करूँगी, इसको मैं डबल रखूँगी। देखें ये रखा मैंने, उसके बाद हम इसको सीना शुरू करें। देखिए मैं पीछे बैक साइड के गले पे डबल पट्टी लगा रही हूँ इस तरीके से, ये देखें ये डबल पट्टी लगेगी तो इसके डबल पट्टी लगाई है, और उसके बाद हम इसको भी इसी तरह हम कट लगाएंगे इसके ऊपर, ये उसके बाद ये, और फिर इस तरीके से ये हमारा ये है। अब मैं ये अपना ये जो फ्रंट का गला है इसके ऊपर रख के मैं इसके शोल्डर सीऊंगी। ये देखिए उसको यहाँ रखा हमने, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइडों पे हम इसी तरह करेंगे। ये रहा हमारा, ये हमने फोल्ड करा इसको, ये वाला पीस भी हमने ऊपर रखा, और उसके बाद इस तरीके से हमने ये हमारा दोनों तरफ से हमने इसकी कटिंग करेंगे। हम इसको अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऊपर से हम मशीन चला देंगे, क्योंकि ये हमारा बैक साइड का है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद ये देखिए मैंने मशीन चला। तो देखिए ये हमारी दोनों तरफ से मैंने काट लिया, ये हमारा शोल्डर गला आगे पीछे दोनों का रेडी हो गया है हमारी शर्ट का। देखिए ये रहा हमारा आगे पीछे। अब मैं इसमें आस्तीने लगाऊंगी, साइड सीऊंगी। ठीक है, ये मैंने अपना आस्तीने तैयार कर रही हूँ। आस्तीन में मैं थोड़ा सा हल्की सी नाजुक सी एक बेल लगा रही हूँ, ताकि ज़रा मेरी आस्तीन खूबसूरत लगे, बाकी मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगाया। ये देखिए मेरी बेल है, ये आस्तीन की किनारी पे मैं बेल लगा रही हूँ। आस्तीने लगाऊंगी अपनी, ये देखिए मेरा गला सेट हो गया बिल्कुल। ये आस्तीने लगी है हमारी, यहाँ पे किनारे कट लगा हुआ है हमारा। ये हमारा यहाँ से हमारी शर्ट होगी, ये हमारा जो है ये इसका जो है किनारा है, ये हमारा मुंडा है, इसका आर्म होल है ये। मैं इसमें भी एक कट लगा के दिखा दूंगी यहाँ पर, ये लगा हुआ तो है मगर ये मुझे नज़र नहीं। ये देखें अब यहाँ से हमने ये यहाँ हमने ये रखा है, और ये हमारा आर्म होल, ये पूरा हमारा यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए सिलाई तक, जहाँ से मुझे अपना साइड सीनी है। देखिए ठीक है, ये हम या हम मैंने आस्तीने लगा ली है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी ये मेरा निशान लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ कहाँ से हमें सीना है, ये रहा ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये अब मैं यहाँ से सीना शुरू करूँगी, ये किनारी है हमारी इसकी आस्तीनों की, यहाँ से ये मिलाकर इसको यहाँ से सीना शुरू करूँगी। देखें ये हमारा दोनों किनारे हमें मिलाएंगे, ये यहाँ से ये देखें ये हमारे इस तरह, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे।
यहाँ से, यहाँ पे मैं हल्का सा कट लगा दूंगी ताकि मुझे ये हमारी आस्तीन लग गई है। देखें इसी तरह मैं दूसरी आस्तीन लगाऊंगी और फिर मैं ये दामन फोल्ड करूंगी यहाँ से, इस तरीके से ये हमारी शर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं तैयार शर्ट आपको दिखाती हूँ। जी मैंने दिखाया था कि मैंने आस्तीनों पे बेल लगाई है, ये ज्वाइंट कर दिया है दोनों आस्तीनें मैंने। फिर उसके बाद मैंने इसकी साइडें सी हैं, देख ये पूरी यहाँ पर हल्का सा मैंने कट लगाया है ताकि इससे जब मैं मोड़ूँ तो इसमें यहाँ पर शिकने ना आए। फिर उसके बाद मैंने ये अपनी नीचे से दामन मोड़ दिया, ये देखें ये हमारी जो है फ्रॉक का ये दामन मुड़ा हुआ है पूरा। और उसके बाद जो है ये मैंने यहाँ पे कट लगाया। अब मैं उलट के अपनी फ्रॉक आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा है। ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल सिंपल सी, ये इसकी आस्तीन इस तरह से आई है दोनों आस्तीन, और ये हमने यहाँ पे ये हमारा हल्का सा कट आया और ये नीचे का दामन। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much. If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like the tutorial as well. Thank you so much.